Hey guys, welcome back again to our town Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर 1, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर कल 1 साल की हो गई है। इस मौके पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने बी टाउन में ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सुहाना खान, करीना कपूर, पूजा भट्ट और शाहीन भट्ट जैसे कई सितारे पहुंचे। हालांकि इस बर्थडे पार्टी से अभी तक कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन राहा कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने राहा कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक और कुकीज भेजे हैं, जिसमें पेपराजी राहा का बर्थडे केक काटते हुए आ रहे हैं। नंबर 2, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की एक बार फिर से नई रिलीज डेट सामने आई है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म अब साल 2024 में रिलीज होगी। ये फिल्म अभी तक 8 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी और कटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस से इसका बॉक्स ऑफिस क्रैश होने वाला था। हालांकि अब सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म की रिलीज डेट बदल गई तो क्लैश टल गया है। तस्वीर में वो एक सोल्जर के अवतार में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस पोस्ट में लिखा है, एक्शन और रोमांस से भरपूर टच डाउन के लिए तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, योद्धा 15 मार्च 2024 को उतरेगी। नंबर 3, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और अनन्या पांडे हाल ही में कॉफी विद करण सीजन 8 में नजर आई। इस दौरान सारा ने अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के रूमर्ड रिलेशनशिप की पोल खोल दी है। इस प्रोमो वीडियो में सारा अली खान अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के रिश्ते की भी पुष्टि करती नजर आ रही है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि रैपिड फायर राउंड के दौरान जब करण जौहर सारा अली खान से पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो अनन्या पांडे के पास है और आपके पास नहीं है, तो इस पर सारा अली खान कहती है कि अ नाइट मैनेजर। बता दें कि अ नाइट मैनेजर आदित्य रॉय कपूर की वेब सीरीज है। नंबर 4, तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की हालिया रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म लियो की सफलता का हाल ही में ग्रैंड जश्न मनाया गया। फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के 550 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई के बाद चेन्नई में एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी का आयोजन किया, जहां तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अपनी को स्टार त्रिशा कृष्ण संग नजर आए। हालांकि सक्सेस बैश में संजय दत्त कहीं भी नजर नहीं आए, जिसकी वजह से संजू बाबा के फैंस जरूर निराश नजर आ रहे हैं। लियो की सक्सेस मीट में सुपरस्टार थलापति विजय स्टेज पर धमाकेदार एंट्री करते दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही छा गई है। इस दौरान फिल्म स्टार पति विजय अपने माथे पर लाल टीका लगाकर पहुंचे थे। लियो की सफलता से पूरी टीम बेहद खुश है। नंबर 5, कुछ समय पहले डॉन 3 के मेकर्स की तरफ से ये खुलासा किया गया था कि इस बार फिल्म में डॉन का किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे। अब फिल्म को लेकर नई अपडेट सामने आई है कि बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी डॉन फ्रेंचाइजी में वापसी करने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में एक्ट्रेस फरहान अख्तर से मिली थी और उन्होंने डॉन 3 के बारे में चर्चा भी की है। प्रियंका ने भी फिल्म के लिए अपनी हामी भर दी है, यानी कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि फिल्म में एक्ट्रेस होंगी या नहीं, मगर प्रियंका की तरफ से ग्रीन सिग्नल जरूर मिल चुका है। नंबर 6, विक्रांत मैसी अपनी हालिया रिलीज बारहवीं फेल को लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार भी उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना दिया है। एक्टर को फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए दर्शकों से खूब सारा प्यार मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक्टर ने अपने फैंस के बीच दीवानगी का आलम तक देखा, जब एक फैन ने एक्टर की फिल्म बारहवीं फेल को देखने के लिए पूरे थिएटर को ही बुक कर डाला। एक्टर ने इस बात पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, शब्द नहीं है मेरे पास, सचमुच मेरे पास शब्द नहीं है, ढेर सारा प्यार भेज रहा हूँ। नंबर 7, ट्रेलर के लिए पॉजिटिव फीडबैक हासिल करने के बाद अपने शानदार विजुअल, असाधारण साउंडट्रैक और फिल्म की दिलचस्प झलक के साथ प्राइम वीडियो ने मच अवेटेड फिल्म पीपा के पहले गाने रैम्पेज रैप की रिलीज के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। गाने में भारतीय सेना को भारत के सबसे घातक युद्ध से निपटने के मिशन पर कैप्टन बलराम सिंह मेहता के रूप में ईशान को दिखाया गया है। इस एनर्जेटिक गाने की रचना जाने माने सिंगर कंपोजर AR रहमान ने की है। फैंस को ये गाना काफी पसंद आ रहा है। नंबर 8, बीते रविवार फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी रखी थी, जहां फिल्म जगत के तमाम सितारे पहुंचे थे। यहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन भी पहुंची थी। सभी जानते हैं कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच कैसे रिश्ते हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस भाईजान के आने से पहले ही पार्टी से बाहर निकल गई थी। हालांकि बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इनसाइडर ने बताया है कि ऐश्वर्या को पार्टी से जल्दी निकलना था, क्योंकि वो यहां अकेली आई थी। मनीष मल्होत्रा के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने कुछ घंटों के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वो वहां से चली गई। नंबर 9, धांसू एक्टर कमल हासन ने अपनी आने वाली फिल्म ठग लाइव का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म का टीजर दिखाते हुए फिल्म का नाम भी बताया है। उनकी फिल्म का नाम ठग लाइफ होगा। टीजर में कमल हासन एक धुएं से भरी जगह में अकेले खड़े हैं और उन्होंने मटमेले और फटे पुराने से चीथड़े लपटे हैं। उनके सामने कुछ लोग दिखते हैं जो मौत बनकर उनका सामना करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं कमल तुरंत अपनी फॉर्म में नजर आ जाते हैं। कमल हासन और दुलकर सलमान के अलावा ठग लाइफ में आपको अलवा जयम, रवि, त्रिशा, अभिरामी और नासेर अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। नंबर 10,
आमिर खान के बेटे जुनैद खान यशराज की फिल्म महाराजा से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। हालांकि उनके हाथ एक और फिल्म लग चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी डेब्यू फिल्म के लिए ही अभी तक कोई हीरोइन नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा था कि साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी जुनैद के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म में रोमांस करती हुई नजर आने वाली थी। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ एक्ट्रेस रामायण में सीता का रोल ही अदा करने वाली है। इसके अलावा उन्होंने और कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक साइन नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि साई पल्लवी और आमिर के बेटे जुनैद साथ में नजर नहीं आने वाले हैं। नंबर 11। ऋतिक रोशन की फाइटर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि फिल्म का टीजर आने वाला है। पहले खबरें थी कि टाइगर 3 के साथ सिद्धार्थ आनंद की फाइटर का टीजर आएगा, लेकिन मेकर्स ने अब ये प्लान बदल दिया है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर 3 में ऋतिक रोशन की वॉर के किरदार कबीर का कैमियो होगा। ऐसे में सिद्धार्थ नहीं चाहते कि कबीर और फाइटर वाले ऋतिक के किरदार को जनता एक साथ स्क्रीन पर देखे, इसलिए अब टाइगर 3 की रिलीज के 2 हफ्तों के बाद फाइटर का टीजर आ सकता है। नंबर 12। शाहरुख खान की बर्थडे पर उनकी फिल्म जवान नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसे जवान एक्सटेंडेड कट बुलाया जा रहा था, क्योंकि इसमें फिल्म के थिएटर वर्जन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भी ऐड किए गए थे। जिन लोगों ने उन एक्स्ट्रा सीन्स फुटेज के लिए दोबारा जवान देखी, वो उसे काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, मेकर्स ने बस OTT पर फिल्म की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें फैलाई थी। नाराजगी की दूसरी वजह यह भी है कि फिल्म के एक्सटेंडेड कट में भी नयनतारा के कोई नए सीन्स नहीं जोड़े गए हैं। नंबर 13। टाइगर 3 फिल्म 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पिंकविला की एक रिपोर्ट की माने तो पैन मरुधर और RSTV ने नेशनल और नॉन नेशनल थिएटर चैंस के साथ मिलकर एक बड़ी डील क्रैक कर डाली है। इसके तहत आने वाली फिल्मों के ट्रेलर्स और टीजर टाइगर 3 के दौरान बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इसके तहत डंकी और सैम बहादुर का टीजर और ट्रेलर फिल्म के दौरान दिखाया जाएगा। हालांकि ये हर एक सिनेमा के मुताबिक तय किया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह डंकी ड्रॉप 1 और सैम बहादुर का ट्रेलर 12 नवंबर से ही दिखाया जाएगा। नंबर 14। आमिर खान की लाडली आयरा खान अपनी शादी को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। आयरा की अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ पिछले साल नवंबर में सगाई हुई थी। अब साल 2024 में ये दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आयरा और नुपुर जनवरी में शादी रचाएंगे, लेकिन त्योहारों के शुरू होते ही दोनों की प्री वेडिंग की रस्में भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। हाल ही में आयरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में ईरा महाराष्ट्रीयन दुल्हन बनी नजर आ रही है। फोटोज में आयरा लाल साड़ी में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। नंबर 15। सलमान खान पर एक डॉक्यू सीरीज बनी है जिसका नाम बियॉन्ड द स्टार है। बियॉन्ड द स्टार में आप सलमान खान के उन पहलुओं को जानेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसमें सलमान खान के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों और इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज होने वाले हैं। अब लोगों को इंतजार है ये डॉक्यू सीरीज कब आएगी। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये सीरीज सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर यानी 27 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सलमान खान तब तक 58 साल के हो जाएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।